नमस्कार, आप देख रहे हैं RX24 न्यूज और मैं हूं कुमार देव। महान स्वतंत्रता सेनानी, नारी शिक्षा एवं नारी सशक्तिकरण की प्रेरणा, बिहार की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री श्रीमती सुमित्रा देवी की जयंती का समारोह का आयोजन सासाराम के तकिया में स्थित रॉयल पैलेस में हुआ, जिसकी अध्यक्षता माँ सुमित्रा देवी मानव संघ के अध्यक्ष सत्यनारायण स्वामी जी ने की। वहीं माँ सुमित्रा देवी मानव सेवा संस्थान के सचिव अरविंद कुमार सिंह ने माँ सुमित्रा देवी की प्रकाशित जीवनी को बताते हुए अतिथियों का स्वागत किया। समारोह के वक्ताओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हरीश कुमार, कन्हैया सिंह नोटरी, सुग्रीव प्रसाद सिंह, डॉक्टर जावेद अख्तर समेत अन्य लोग भी। इस चीज को आप थोड़ा सा गौर करेंगे, मां सुमित्रा देवी 1936 ईस्वी में अलीगढ़ में पढ़ाई कर रही थी। इसलिए मित्रों, आज कुछ सीख लेने की आवश्यकता है। कुछ समाज में हमारे ऐसे भी लोग हैं कि आज बेटी को पढ़ाने के लिए जरा भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस पे फोकस देंगे थोड़ा। बहुत ऐसे रूरल क्षेत्र हैं, पुअर लोग हैं, जो बेटी को पढ़ाने से हिचकिचा रहे हैं। एक वो दौर था 1936, जिस समय सुमित्रा जी ने अलीगढ़ में जाकर पढ़ रही थी। देश भी आजाद नहीं हुआ था, आजादी से पहले की बात है। मैट्रिकुलेशन किया 1936 में उनका, और इन्होंने जो पहला चुनाव लड़ा था 1946 ईस्वी में पटना सिटी से रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1946 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर 11 कैंडिडेट अपने खड़े किए थे, जिसमें सबसे ज्यादा वोट सासाराम से जो खड़े थे। भाइयों एवं मनु, आज बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग माँ सुमित्रा देवी की जयंती समारोह मना रहे हैं। सुमित्रा जी बहुत ही एक आदर्श महिला थी, उनका व्यक्तित्व बहुत ही ऊंचा था। वे जब भी क्षेत्र में आती थी, उनके पास सभी जाति धर्म के लोगों का कुटुंब मर जाता था। वह कभी भी नफरत भेदभाव की राजनीति नहीं करती थी, उनका बहुत ही उच्च विचार था। उन्हीं की पुत्र श्रीमती मीना कुमार जी आज इसी सासाराम लोकसभा क्षेत्र से जीतकर लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं। सबसे जो परिणाम है वो हमारे यहाँ बेरोजगारी है। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को सोचना होगा कि बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाए। बेरोजगार होने का मतलब है कि आपको जीने के अधिकार से वंचित करना, क्योंकि अगर आप बेरोजगार हो जाते हैं तो ना आपको पारिश्रमिक मिलेगा, ना आप उससे अपने जीवन यापन की वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो हमें ऐसे समाज के निर्माण के लिए आगे बढ़ने